Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sri Sanvi. You are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. Gunda in a nutshell, ठीक है, योगी बाबा. और ये गुंडा मूवी यार काफी टाइम से मुझे सजेस्ट हो रही थी और इन्होंने कहा था कि इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाओ और इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, रोस्ट किया है इस मूवी को. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और यार बाकी पुरानी मूवीज जो होती है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि वो हमारे जमाने की मूवीज थी, आजकल क्या है. ठीक है, और ये पिछले जमाने की मूवी है, तो देख लेते हैं ये कैसी मूवी है. और आप लोगों को और भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहिए तो जरूर बताइएगा और फर्स्ट कमेंट जरूर कीजिएगा. उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कमेंट जो है वो पिन करती हूँ मैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, तुम सबको बता दूंगी, कृपा करके ऐसी मूवीज की डिमांड्स मत लाओ. हाँ, मुझे भी माँ बहुत कसम किस दिन कोई गुप्त रोग हो जाएगा. और इसी बात पे आज वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम कर रहे हैं एक गिव अवे और उसकी जानकारी वीडियो के एंड में आपको दे दी जाएगी. सो लेट्स बिगिन, शैल वी. तो टॉर्चर शुरू होता है किसी एयरपोर्ट से, जहाँ इवन सफाई वाले भी कंफ्यूज है कि भैंजो आखिर चल क्या रहा है. जहाँ लंबू आटा, दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा. सर यस सर. इस मूवी में किसी का भी नाम नॉर्मल नहीं है, ट्रस्ट मी, क्योंकि सबसे नॉर्मल नाम ये था. तो यहाँ ये चोमू दे रहा है इसके किसी एक्स फ्रेंड हु इज आल्सो सम नेता की सुपारी लंबू आटा को, कहे कि उसके घर पे अजीब अजीब फेटिश होते थे. तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास सोती थी. क्योंकि उसने भी दी है इसकी सुपारी किसी बुल्ला को. सोई जाती थी. बड़े अजीब दोस्त है यार, राजीव योगेश, हराम खोर हूँ, मेरे पैसे देने की जगह मेरी सुपारी मत दे देना. घर बैठे सुपारी किलर्स हायर कर सकते हैं. एनीवे, तो इस टॉर्चर में आता है एक रेंटेड गुंडा जिसके पेट में है दरियागंज की रामपुरी, और ये चार अलग लोकेशंस पे टेलीपोर्ट करके बुल्ला बुल्ला चिल्ला रहा है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएगा बिकॉज ही हैज लॉस्ट द विल टू लिव, बिकॉज प्रोबेबली उसने इस पूरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी काम शुरू करने से पहले. लेकिन इसे फाइनली मिलता है बुल्ला, परंतु ये भी इसे हॉस्पिटल लेके जाने की जगह टीम रॉकेट की तरह अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है. मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला. मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया. मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते. मेरा नाम है यू अटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला. हाँ. And well, जब इतनी करने का टाइम था इनके पास, तो ये रेंटेड गुंडा आरआईपी इन पीस हो जाता है, बिकॉज साइंस डजंट गिव अ शिट अबाउट कांति शाह, जस्ट लाइक ही डजंट गिव अ शिट अबाउट साइंस. तो वेल, अब रिवेंज तो लेना होगा ना, कहे कि ये सारे लिटरली जॉबलेस हैं. तो ये जाके लंबू आटा के भाई को पकड़ के उसके सामने फुल ऑन डायलॉग बाजी करके उसे क्रिंज से मारने की कोशिश करता है, लेकिन दिस डूड हैज अग्रीड टू बी इन दिस मूवी बिकॉज ही डजंट फील अ थिंग एनीमोर. आई एम डेड इनसाइड. तो ये इसके बुंडे चाकू मार देते हैं एयरपोर्ट पे. ये है कौन सा एयरपोर्ट जहाँ पे ऐसे ही सब चलता रहता है? No wonder airport security was a joke in the 90s. Why would you say something so controversial yet so brave? तो अब लंबू आटा अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने की जगह फिर से डायलॉग बाजी कर रहा है. तू छोकरी पटाखे लाता था, मैं मजे करना था. I think इस alternate universe में ना हॉस्पिटल है ही नहीं. मेरा भाई मर गया रे भाई. हमाल में तेरे बाप को मत सिखा, चल. तो ये हरामखोर बुल्ला की बहन, जो रैंडमली इस शेडी सी बस्ती में ऐसे ही रैंडमली घूम रही है बिकॉज आई डोंट नो, कांति शाह से पूछो, उसे जाके मार देता है. एंड यहाँ लोग खड़े होके शूटिंग देख रहे हैं. तो अभी अपनी बहन की लाश के साथ फुल ऑन डायलॉग बाजी करके लंबू आटा को पकड़ के उसके साथ ये सब मिलके वेल फिर से डायलॉग बाजी, लाइक हरामखोर हमारी बहन को मारा, मैं तेरी मारेगा वगैरह वगैरह. तो डिफेंस में, प्लीज मेरे को जाने दे, मैं झूमेगा नाचेगा वगैरह वगैरह. एंड वेल, यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बिकॉज दिस मूवी this torture is so predictable. I know, right? वहाँ इस सस्ते नेता को चाहिए दूसरे सस्ते नेता की मौत, तो बुल्ला अपने आदमी को भेज देता है खुल्ला, ओके व्हाट द फक, जो गन वाले पुलिस के सामने इसे चाकू मार देते हैं. फिर ये शूटिंग देख रहे क्राउड के सामने जॉगिंग करके एयरपोर्ट जाके आई डोंट नो कैसे एंट्री लेके वहाँ जाके भागने ही वाला होता है कि बूम, मिथुन चक्रवर्ती इन द हाउस. और साला ये दोनों भी फुल ऑन डायलॉग बाजी, जो इतनी लंबी चली के पीछे आ रही पुलिस इसे पकड़ लेती है. नो वंडर ये मूवी 2 घंटे की है. Also, ये काम क्या करता है is not specific. इसका बाप हवलदार है, लेकिन ये कुली के यूनिफॉर्म में रहता है. तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था. काम तो मैंने पुलिस का ही किया है ना. अबे साले. तो बुल्ला एंड क्रू, जो एक चीता के साथ घूमते हैं, इसे पोर्ट पे बोलते हैं, अरे मैं हूँ बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला. तो he's like, तो बंद करना.
ऑल्सो इसकी बहन की एक बेस्टी है हु इज DTF फॉर मिथुंदा की तभी एक रियली वियर्ड सा गाना शुरू। ऑल्सो इसकी बहन की शादी करवानी है बिकॉज इंडियन फैमिलीज को तकलीफ ही क्या थी उस टाइम पे। Meanwhile, Bulla, who is a chumri, is Chaman Chutiya ke saath hang out kar raha hai, jo Ladies vs Ricky Bell wale scam karta hai, but R-rated. Ye wala point yaad rakhna, abhi merch launch hoga to giveaway mein kaam aayega. Why? Maza aata hai. मिथुन दा की बहन की बेस्टी स्टिल बीइंग आई डोंट नो व्हाट दिस इज की एक और रैंडम गाना एक रैंडम लोकेशन पे शुरू। Meanwhile, since इनका सस्ता नेता मारो गुंडा इज इन जेल विद लग्जरीज। जेल में तेरे लिए दारू नकी, खाने पीने के लिए चिकन मटन नकी और देखने के लिए टीवी नकी, महीने में एक बार लड़की भी नकी। तो ये उसके एरिया में कब्जा मारने जाते हैं जहाँ सब खड़े होके शूटिंग देख रहे हैं। बट सिंस मिथुन दा का बाप है हवलदार तो ही इज लाइक रुक। तो ये लोग सब पेलने जा ही रहे होते हैं शूटिंग देख रहे क्राउड के सामने कि बूम मिथुन दा हवा में फ्लिप करते टाइम अपना स्किन कलर चेंज करते हुए इन गुंडों को पेल देते हैं। लेकिन अब बुल्ला का हो गया है ज्यादा खुल्ला। ओके आई मस्ट स्टॉप। अपने आप को काबू करना सीखो। तो ये अपने गुंडे से इसे सुनसान जगह पे छिड़वा देता है। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ये यहाँ इस सुनसान एरिया में कर क्या रही है। लेकिन रिकी बर्ल इसे बचा लेता है एंड वेल शी इज फॉलिंग इन प्यार। तुम बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। और पार्क में डांस शुरू। एक सेकंड क्या, व्हाट, ओह फक दिस शिट, बजा रे। लेकिन ये आर रेटेड रिकी बेल इससे शादी भी कर लेता है। दैट वाज क्विक, काफी प्रोग्रेसिव लोग हैं ये, लव मैरिज अप्रूव कर दिया। किंतु इनका प्लान था कुछ और। तो चुटिया इसे मार के इसके घर के बाहर फेंक देता है और मिथुन दा इसे देख लेते हैं, क्या गुंडा बनेगा रे तू, सी व्हाट आई डिड देयर, या यू डिड, डोंट लाई टू मी। तो ये उसके पीछे जॉगिंग करके उसके घर जाता है, लेकिन बड़का करप्ट दरोगा इसे रोक के फुल ऑन डायलॉग बाजी करता है कि मैं हूँ बिका हुआ, इसलिए ये सब है यहाँ टिका हुआ, निकल ले पहली फुर्सत में वरना मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ मार दूंगा मैं, गंजा हूँ मैं, मार दूंगा। हाँ मतलब यहाँ बहुत बहुत सारी डायलॉग बाजी है यहाँ पे। अभी तो और चलेगा। तो अब इसका बाप भी इस करप्ट दरोगा के पास जाके फिर से फुल ऑन डायलॉग बाजी की, पहले बिकाऊ मार देगा मैं तेरे को मार देगा। लेकिन उल्टा ये करप्ट दरोगा जाके इसे चोपी डैडी कर देता है। तो मिथुन दा अपने बाप की लाश देख के इज इन शॉक और जाके बोलता है इन्हें, तेरी माँ का बुल्ला और तेरा भाई साल नल्ला, आई एम अ बिग फैन ऑफ केजरीवाल, इसलिए इवन डेज को करूंगा सबका बुरा हाल, नाउ बाय। अबे चूतियों घर पे ये कभी भी आ जाता है तुम्हारे, मतलब क्या नहीं बंदूक वगैरह नहीं है क्या तुम्हारे पास, या फिर सिर्फ डायलॉग बाजी से मारने का प्लान है। नेवर माइंड। तो बीच रास्ते में इसे मिल जाती है एक नवजात शिशु एक कचरे के डब्बे में, तो करप्शन टाइम। लेकिन अब इसके अंदर है आग, बहुत सारी आग, फ्लेम ऑन, सॉरी। तो अब है इवन डे, तो ये कोठे पे जाके आर रेटेड रिकी बेल को पेल देता है। एंड सिंस इट्स स्टिल एन इवन डे, तो इबू हटेला हु इज आल्सो अ चमड़ी, सारा कांति शाह की मूवी में सब चमड़ी है। एनीवे, तो इबू हटेला को कब्रिस्तान विच इज अपेरेंटली राइट नेक्स्ट टू हिज हाउस में दौड़ा दौड़ा के सर पे एक हाथ मार के जमीन में गाड़ के कार्टून नेटवर्क चल रहा है क्या बे? यू नो व्हाट, मस्ट नॉट फाइंड लॉजिक इन दिस मूवी, गलती से भी। एंड वेल यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और फिर बुल्ला जो घर पे पार्टी कर रहा है उसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दिस मर्डर। नंबर कहां से मिला भाई तुझे? अरे मैं क्या बताऊं मैं। लेकिन इसके अंदर इतनी आग है कि इसकी जोरू को भी चाहिए सम आग, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन ये आग अभी भी बुझाने के मूड में नहीं है, इफ यू नो व्हाट आई मीन अगेन। एंड एक और आग नहीं बुझा गाना शुरू। व्हाई? एंड देन इवन डे इज बैक। तो अब सस्ते नेता की बारी जो इतने सारी पुलिस की गाड़ियों के साथ जा रहा है, कहे कि हाईटेक सिक्योरिटी है भाई। तो मिथुन दा साइकिल के पीछे से, वेट व्हाट, ओह तो ये है वो आइकॉनिक सीन। वेल वहाँ पे गाड़ी पे गोली मार के सडनली मूवी को डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी कर देते हैं। एंड वेल ये सस्ता नेता पुलिस के पास जाने की जगह बीच करने लगता है, फिटनेस फ्रीक होगा शायद, आई डोंट नो, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मूवी। और मिथुन दा इसे पकड़ के फुल ऑन डायलॉग बाजी, एंड पीछे से पुलिस भी जॉगिंग करके आ रही है, लेकिन दूर से कोई कार 98 with 6x स्कोप लगा के इसे फेल देता है और इल्जाम मिथुन दा पे। एंड पुलिस इस सस्ते नेता को हॉस्पिटल ले जाने की जगह इस पे फोकस कर रही है, काहे कि हॉस्पिटल इस अल्टरनेट यूनिवर्स में है ही नहीं। क्या लंग फुचक्का बना दियो जी। तो एक करप्ट दरोगा फिर से डायलॉग बाजी करना शुरू सारे पुलिस वालों के सामने, लाइक सुन बे गेंडू मैं बिका हुआ है,
एंड इतने सारे पुलिस वाले के सामने कन्फेस कर रहा है कि तेरे बाप को मैंने ही चौक में डैडी करके मारा। अबे हराम खोरो, तुम्हारा ही साथी था यार, इसे अरेस्ट करो यार। लेकिन नहीं, एंड सिंस एवरीथिंग इज अ फकिंग जोक इन दिस मूवी, तो वेल मिथुन दा जेल से कैजुअली भाग जाते हैं, बिकॉज ना एयरपोर्ट में सिक्योरिटी, ना बुल्ला के घर पे सिक्योरिटी, और भैंचो जेल में जहाँ पे बाई डिफॉल्ट सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे भी नो सिक्योरिटी। तो अब दरोगा की फटके चार, तो बुल्ला जो रखता है खुल्ला, जो किसी ने नहीं पूछा फिर भी ये बुल्ला, नेवर माइंड, इसे एम्बेसडर कार देता है बहुत सारे विद वेल कोऑर्डिनेटेड गुंडेज इन यूनिफॉर्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन, जो फ्लिप करते हैं। लेकिन इट्स मिथुंदा, सो सारे पैसे बर्बाद भाई चोद, नहीं मतलब पैसे खर्च करके प्रोफेशनल किलर हायर कर लेते यार, लेकिन नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो वेल बुल्ला जिसका घर रहता है खुल्ला की फट के 232, तो वो मेरी एडवाइस सुन के जॉर्ज पोल में बिना वेपन के प्रोफेशनल गुंडे भेज देता है, और ये वेल कोरियोग्राफ्ड गुंडे इस पे प्रयागराज की 56 से हमला करते हैं लेकिन फेल, SMG से हमला करते हैं लेकिन फेल, इस पे ग्रेनेड से हमला करते हैं लेकिन गेस व्हाट, फेल। अबे बुल्ले अच्छे वाले गुंडे क्यों नहीं भेजता, कहां से ला रहा है ऐसे सस्ते गुंडे, पैथेटिक। तो घर आके इसकी जोरू बताती है कि सुन मैं चुप, मेरी तो आग बुझाई नहीं, उसका बाद में देखेंगे, ये बच्चे के फैमिली का कुछ कुछ पता चला है, जा झूले वाले कोठे में जाके पता करके आ। तो वेल सच में झूले वाले कोठे, व्हाट द फक, वियर्ड स्टार्टअप आईडिया बट व्हाटएवर, मैं जाके ये पता लगाता है कि ससुराई बुल्ला की बच्ची है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? इसी बीच फिर से इवेंट आ गया, तो एक बार फिर ये सस्ते नेता की बारी, तो ये पोर्ट पे जाके इसके दो सस्ते बॉडीगार्ड को पीछे से टपका के, ओके दैट साउंड्स रॉन्ग, इसे दौड़ा दौड़ा के अपनी दिवाली वाली गन दिखा के फिर से फुल ऑन डायलॉग बाजी करके दोपहर में पानी में फेंक के फिर ये शाम को उसमें गिर के मार देता है। नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, ठीक है? ठीक है। तो वेल बुल्ला गया दिमाग से सटक, तो चलो मिथुंदा की जोरू को दे पटक। तो बीच चौराहे पे ये शूटिंग देख रहे क्राउड के सामने इसे RIP इन पीस कर देते हैं ये दोनों, मां कसम ऐसे शूटिंग देख रहे क्राउड को ही मारना चाहिए। तो अब चुटिया की फटके चार, कहे कि मार देगा वो, एंड वेल मार देता है वो इसको महंगे टॉयलेट में, बिकॉज इवेंट था ना इसलिए। तो बुल्ला फिर से बहुत सारा पैसा खर्च करके ऑटो खरीद के उसमें सस्ते गुंडे भर के फुल ऑन डायलॉग बाजी, देश के दुश्मन तेरा होगा मुंह काला, मैं तेरी अर्थी उठा दूंगा शंकर, फिर ये सस्ते गुंडे करते हैं गोलीबाजी, एंड नथिंग इज हैपनिंग, और हायर करो सस्ते गुंडे। तो मिथुन दा जॉगिंग करके बजूका, ओके ये कहां से आया, वेल उससे ऑटोस को उड़ा के ऑटो वालों को मार के फिर बुल्ला को दौड़ा के छोटे ग्रैंड कैने पे पहुंचा देता है। लेकिन बुल्ला इसकी बेटी I mean, खुद की बेटी रैंडमली कहीं से ले आता है, वेल तेरी बेटी को मार डालूंगा, अब ये तेरी बेटी है, एंड ही इज लाइक मैं कैसे मान लूं, इस अल्टरनेट यूनिवर्स में हॉस्पिटल तो है नहीं कि मैं DNA टेस्ट करवा लूं। तो मिथुन दा इज लाइक वेल यू हैव अ पॉइंट, होल्ड दिस बेबी मंकी, व्हाट मंकी, अब क्या बचा, हेलीकॉप्टर, ओह या ये भी है। तो बुल्ला भागने की कोशिश करता है बट वेल हवा में शूट करने की परमिशन नहीं मिली, सिर्फ एयरपोर्ट पे ही करने की मिली थी, तो ये इसे RIP इन पीस कर देता है, एंड बुल्ला पोकेमोन की तरह अपना नाम लेके बाय बाय बुल्ला, एंड बस मूवी खत्म, प्रेज द लॉर्ड, अस्तगफिरुल्लाह, हे राम हम बच गए, वी सारी लाइट में चली गई। इस मूवी का नाम गुंडा की जगह चार मूवी की एक मूवी में डायलॉग बाजी, चूतिया बाजी, एयरपोर्ट बाजी, फक लॉजिक बाजी होना चाहिए था ज्यादा, वेल सेंस तो वैसे भी नहीं है मूवी में, लेकिन आई डोंट नो क्या बनता, लेकिन कुछ बने ना बने एक गिव अवे तो बनता है ना यार, अच्छी थी ये काफी, जिसे हम क्या बोले, इतनी फनी और बिल्कुल लॉजिक इसके अंदर था ही नहीं इस मूवी के अंदर, और लाइट भी जा चुकी है, जल्दी से इसको वाइंड अप करती हूँ, और ये अच्छी थी, मजे की थी, इंटरेस्टिंग थी, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि वाकई यार इसमें कोई लॉजिक नहीं था, और पुरानी मूवीज के अंदर में तो पूरा डायलॉग और ऐसे राइमिंग वाले डायलॉग लिखे हुए थे इसके अंदर। आप लोगों को कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, चलेगा इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।